दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है और मैं एक साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे एक बहुत ही आम दिमागी बीमारी के बारे में, जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन दिमागी बीमारी है और ऐसा बोला जाता है कि लगभग 10 से 15% लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी इसका शिकार ज़रूर होते हैं। तो आइए समझते हैं कि डिप्रेशन होती क्या है। देखिए, डिप्रेशन जैसे कि मैंने बोला, एक कॉमन दिमागी बीमारी है जिसमें जो मुख्य आपका जो मेन लक्षण होता है, जो मेन सिम्टम होता है, वो होता है मन की उदासी। डिप्रेशन की बीमारी में मरीज़ का मन हमेशा उदास रहने लगता है, चाहे ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो जाए तो भी उसको दुखी रहता है, मन खराब ही रहता है। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, हमेशा उदासी छाई रहना, किसी से बात करने का मन ना करना, शरीर में हमेशा कमज़ोरी रहना, नींद कम हो जाना, भूख कम हो जाना और कई बार अपने बारे में गलत विचार आना, गलत ख्याल आना, जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए ऐसे ख्याल आना, खुदकुशी के ख्याल आना, ये सब लक्षण, ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं उदासी की बीमारी या डिप्रेशन की बीमारी में। अगर ये सारे सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा मरीज़ में आ रहे हैं तो उसको हम डिप्रेशन बीमारी के साथ डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये डिप्रेशन की बीमारी होती कैसे है? एक मॉडल कहते हैं हम, बायोसाइकोसोशल मॉडल, जो कि डिप्रेशन और सारी दिमागी बीमारियों के लिए लगाया जाता है। इसमें बोला जाता है कि कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं और कुछ सोशल कॉजेज़ होते हैं, जो सब मिलके डिप्रेशन की बीमारी को करते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़ मतलब दिमाग के अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कई बार उनकी कमी से सिम्टम्स आने लगते हैं, ये लक्षण आने लगते हैं। जैसे कि अमूमन पाया गया है कि दिमाग में 3 मेन केमिकल हैं, एक है सेरोटोनिन, एक है नॉरएपिनेफ्रिन और एक है डोपामिन। इनकी कमी से डिप्रेशन के लक्षण आने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ सोशल कॉजेज जैसे कि पारिवारिक दिक्कतें या फिर रिश्तों में दिक्कतें या फिर काम में दिक्कतें, ये सारी दिक्कतें भी कई बार लक्षणों को लाने में रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्यार मोहब्बत से बात करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। कुछ हद तक ये बात सही भी है। अगर लक्षण बहुत थोड़े बहुत हैं तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, दूसरों की मदद भी इस चीज़ को कम करने में कई दफ़ा मदद कर पाती है। लेकिन अगर एक बीमारी का रूप ये ले चुका है, एक पर्टिकुलर लेवल तक ये प्रॉब्लम पहुँच चुकी है, तो फिर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के भी 2 हिस्से हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि डिप्रेशन होने का एक जो कारण है वो है कुछ केमिकल्स की कमी। तो उन केमिकल्स की कमी को ठीक करने का एक ही तरीका है, दवाइयों का इस्तेमाल करना, एंटी डिप्रेशंट्स का इस्तेमाल करना। तो पहला तरीका तो हो गया एंटी डिप्रेशंट्स का इस्तेमाल। दूसरा, जो साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं या सोशल कॉजेज होते हैं, उनको ठीक करने के लिए आमतौर पर काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में साइकोथेरेपी कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के, काउंसलिंग और दवाइयों को मिला के ही इसका सबसे अच्छा इलाज हो सकता है। अब अक्सर देखा यह जाता है कि लोग दवाइयों से बहुत डरते हैं। मेन डर रहता है कि साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए या ज़िंदगी भर दवाइयां ना चल जाए, और इस डर की वजह से लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और बीमारी को बढ़ने का मौका दे देते हैं। अगर हम सही टाइम पर इलाज कराएँ तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाता है और असर भी ज़्यादा जल्दी आता है। ये जो अफवाहें हैं कि ज़िंदगी भर इलाज चलेगा या दवाई खाने से इंसान एकदम बेकार हो जाएगा, ये सब अफवाहें हैं, इनके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बट आमतौर पे वो बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि पेट में जलन हो जाना, एसिडिटी हो जाना, कुछ लोगों में नींद ज़्यादा हो जाना, और उन चीज़ों को दवाइयों को एडजस्ट करके या फिर डोज को एडजस्ट करके ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपके अंदर या आपके किसी जानकार के अंदर इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो वक्त ज़ाया मत करिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, नज़दीकी साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना इलाज शुरू कराइए। डिप्रेशन का इलाज संभव है और जितनी जल्दी इलाज लिया जाता है उतना ही ज़्यादा उसके सक्सेसफुल होने की संभावना रहती है। तो हमें उम्मीद है कि हम डिप्रेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बता पाए होंगे, और हमारा प्रयास यही है, हमारी कोशिश यही है कि मानसिक और सेक्सुअल बीमारियों के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।